बहुत सारे मेरे मित्रों का प्रश्न आता है कि सर केतु क्या होता है। आज इस वीडियो को इसलिए लेके आया हूं कि ये वर्ष जो शुरू हुआ है 2023 केतु का वर्ष है, यानी कि 2023 का जब टोटल आप करेंगे तो 7 नंबर आएगा। 7 नंबर की जब हम बात करने लगते हैं तो केतु को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। केतु क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। केतु से जनरली जब भी केतु का नाम आता है हमको डर लगने लगता है। ये बात अलग है कि केतु को मारक ग्रह कहा गया है और केतु अगर गलत स्थान पर हो तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक कष्ट या रोग देता है। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जब हम बात करते हैं तो इसकी गर्दन नहीं है, यानी कि आप देखेंगे तो सस्पेंस को केतु कहा गया है। आप जब कभी की बात करते हैं तो केतु कहा गया है, जब आप कविता की बात करते हैं तो भी केतु कहा गया है, जब आप ज्ञान की बात करते हैं केतु है समझ लीजिए, या आप धर्म की बात करेंगे तो भी केतु है समझ लीजिए। अगर हम केतु को और समझना चाहें तो बिना केतु की कृपा किए हुए किसी भी व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती। यानी कि हम जब केतु की बात करते हैं तो कलम भी केतु है, स्याही भी केतु है, सामंजस्य जीवन का केतु है, एकांत केतु है, गुड़ रहस्य केतु है, रहस्य की जब बात करते हैं वो भी केतु है। केतु को अलग अलग तरीके से जब हम देखते हैं तो ये विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। और यदि किसी की राशि में केतु अच्छी जगह पर रूल करता है, खासतौर पर गुरु के साथ अगर उसका सामंजस्य अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नेम, फेम और पैसा दोनों चीजें, तीनों चीजें कमाता है। अगली बात करें, यदि वो गुरु से अच्छा संपर्क में रहे, या अगर हम बात करें शुक्र से अच्छे संपर्क में रहे, और अगर कुंडली में पॉजिटिव प्रभाव डाल दे तो इतना धन देता है कि आपको संभालने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो धन देना बंद नहीं करेगा। लेकिन यदि इसका हम परिणाम उल्टा देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि केतु मारक स्थिति में आपकी कुंडली में है तो आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि केतु का जो ये वर्ष है, ये ध्यान रखिए कि ये खराब वर्ष नहीं है, ये नुकसान देने के लिए नहीं आया है। लेकिन यदि आप केतु को समझना चाहते हैं तो उसको ये समझना पड़ेगा कि केतु से संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। यदि आप उन चीजों से संबंधित हैं, यानी कि आप ज्ञान की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, आप लिखने की बात करते हैं, आप पेपर की, पेंसिल की, कॉपी की बात करते हैं, आप स्याही की बात करते हैं, आप रहस्य की बात करते हैं, आप कहानी की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप केतु को चला रहे हैं या केतु आपको चला रहा है। तो यदि आप केतु से संबंधित रेमेडी या केतु से संबंधित उपाय आप करते हैं तो आपको उनकी कृपा मिलती है। और जब भी हम केतु की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, यानी कि जब भी आप इसकी रेमेडी करते हैं तो इसके इम्पैक्ट बहुत स्पीड से आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। और जब ये इम्पैक्ट पॉजिटिव देने पे आता है तो आपको बहुत अच्छे से लाभ देता है और करियर में, जीवन में, स्वास्थ्य में बहुत जल्दी से तरक्की देता है। राधे राधे।